गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटीरिया मेडिकल सीरीज का लेक्चर नंबर ट्वेल्व एलेवेन हम मेडिसिन कर चुके हैं हम एलिविना तक पढ़ चुके हैं एलिन की नोट्स के सीक्वेंस से चल रहे हैं हम अब नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी एम्बरा ग्रीजिया एम्बराग्रीजिया एम्बराग्रीशिया या फिर एम्बरा जी बोलें हम उसे प्यार से कुछ भी बोल सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एम्ब्रा ग्रीशिया है क्या एम्ब्रा ग्रीशिया एक वेल के सीक्रेशन से प्रिपेयर हुई है एम्बरगस इसका कॉमन नेम है हमारा एम्बरगस मतलब हम कह सकते हैं कि एक वेल के कोई सीक्रेशन है एम्बर्गस उससे ये प्रिपेयर हुई है ग्रीशिया अब ग्रीशिया के एक पिक्चर बनाते हैं माइंड में उसके हिसाब से सारे सिम्टम्स कवर करते जाएंगे तो एम्बरा जी हम इसे प्यार से बोलेंगे एम्बरा जी तो एम्बरा जी क्या एक बिजनेस लेडी है एक बिजनेस लेडी है।, है जो जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया काफ़ी मेहनती है काफ़ी बहुत कुछ बहुत मेहनत की बहुत लगन की लेकिन इसे बिज़नेस में लॉस आ गया और जो आ, ये काफ़ी मेहनती है लगन है इसके अंदर तो बिज़नेस है तो ऑल टाइम वर्क करती है तो एक जगह बैठी रहती है और बिजनेस में लॉस आ गया अब इसके हिसाब से हम आगे सिम्टम्स देखते जाएंगे कि आगे आगे क्या होगा अभी हमें ये पता है कि एक बिजनेस लेडी है और बिजनेस लेडी के जो भी सिम्टम्स आएंगे इसके हम उससे रिलेट करेंगे अरे ये बिज़नेस है ऐसे बिजनेस में लॉस हुआ तो ये सिम्टम आया ऐसे करके तो स्टार्ट करते हैं स्यूटेबल टू एक्साइटेबल नर्वस चिल्ड्रन एंड थिन नर्वस पेशेंट तो एक्साइटेबल नर्वस एक्साइटेबल नर्वस चिल्ड्रन एंड थिन नर्वस पेशेंट मतलब उन बच्चों के लिए जो बहुत नर्वस हैं तो ये बहुत नर्वस होंगे नर्वस क्यों बिजनेस में लॉस आया है तो हमेशा परेशान रहेंगे नर्वस रहेंगे तो नर्वस है स्पेशली यंग गर्ल्स में देते हैं हेमरा जी बिजनेस गर्ल है ये बिजनेस लेडी है एक्सट्रीम नर्वस हाइपर सेंसिटिवनेस इनमें बहुत ज़्यादा नर्वस हाइपर सेंसिटिवनेस होगी एक्सटर्नल नमनेस ऑफ एंटायर बॉडी इन द मॉर्निंग विद वीकनेस तो बताया है पूरी बॉडी में नमनेस रहेगी मॉर्निंग में उसके साथ साथ वीकनेस मिलेगी नर्वस बिलियस टेम्परामेंट टेम्परामेंट कैसा है बहुत ही ज़्यादा नर्वस है और बिलियस टेम्परामेंट है थिन स्क्रॉनी वेमेन वेमेन आ गया लेडी है बिजनेस लेडी वेमेन थिन स्क्रॉनी वेमेन मतलब मोर ऑफ द ये फीमेल रेमडी है नाइन्टी नाइनटी नाइन परसेंट तो ये बोल सकते हैं अडेप्टेड टू हिस्टेरिकल सब्जेक्ट एंड दो सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल इरीटेशन विद कन्व कफ इरक्टेशन अब क्या है बिजनेस लेडी है एक ही जगह पर चेयर पर बैठी है लैपटॉप पर बहुत काम कर रही है सब कुछ देख रही है अपना तो स्पाइन में दिक्कत आएगी इसके तो यहाँ पर स्पाइनल इरीटेशन मिलती है हिस्टेरिकल सब्जेक्ट्स होंगे स्पाइनल इरीटेशन के साथ कन्वल्जिप कफ होगा और इरेक्टेशन आएंगे ऑल्सो फॉर पेशेंट वी कैंड वाई एज और ओवर वर्क अब

टाइम नहीं है तो सो भी नहीं पा रही सील सी प्लस तो सारे सिम्टम्स अब हमें ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे ग्रेट रेमेडी फॉर एज विथ एम्पेयरमेंट ऑफ ऑल फंक्शंस वीकनेस कोल्डनेस एंड नमनेस यूजल यूजअली ऑफ सिंगल पार्ट फिंगर आर्म्स एक्सेट्रा मतलब एक सिंगल पार्ट की चाहे वो फिंगर हो आर्म हो या कोई भी पार्ट हो उसकी वीकनेस कोल्डनेस नमनेस देखने को मिलेगी और फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा उसके लिए एज्ड मतलब किसी ओल्ड एज में अगर हम देखें ओल्ड लेडी में अगर ये दिक्कत आ रही है तो उसके लिए एक ग्रेट रेमेडी है ठीक है वन साइड कंप्लेन कॉल फॉर इट वन साइडेड कंप्लेन है तो हम सोचेंगे एमरा जी के बारे में म्यूजिक एग्रावेट सिम्टम्स म्यूजिक से इसके सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं इवीलिशंस एंड पलसेशंस आफ्टर वॉकिंग इन ओपन ईयर ओपन ईयर में जाएगी तो उसको इसको पल्सेशन पलसे, पलसे, फील होंगे हार्ट में और पूरी बॉडी में फील होंगे ठीक है अब माइंड देखते हैं अब बेचारी लॉस में गई है तो फिर क्या होगा ड्रेड ऑफ पीपल धोखा मिल गया लॉस हो गया तो ड्रेड ऑफ़ पीपल लोगों से डरेगी एंड डिज़ायर टू बी अलोन अकेले रहना चाहिए सोचेगी कि कहाँ गलती की किस किस आ, मतलब जैसे होता है ना कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं कि यहाँ से लिया फिर यहाँ ये यहाँ से आइटम्स आ रहे हैं तो कहाँ कौन से बंदे ने धोखा दिया तो ड्रेड ऑफ़ पीपल एंड डिज़ायर टू बी अलोन बैठ के अकेले रहेगी कान डू एनी इन प्रजेंस ऑफ अदर्स लोगों के सामने कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत नर्वस है क्योंकि अगर आप कहीं भी फ्लॉप होते हैं किसी भी फील्ड में अगर आप फेल होते हैं तो लोग ताने देते हैं तो एक नर्वसनेस आ जाती है पर्सन के अंदर तो वही इसके अंदर है नर्वसनेस है कांट डू एनी थिंग इन प्रजेंस ऑफ अदर्स इंटेंसली साय बहुत ज़्यादा साय है ब्लस इजिली ईजीली ब्रस कर देगी एक दो अगर तारीफ़ कर दोगे तो तुरंत ब्लस कर देगी म्यूजिक कॉजेस वीपिंग और गाने सुनेगी और रोएगी डिस्पेयर लॉथिंग ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा उदास है फैंटेस्टिक एल्यूजन्स एल्यूजन्स बहुत अच्छे हैं इसके फैंटेस्टिक मतलब हो इसके साथ गलत ना है लेकिन ये सोच रही है इसने अपनी एक दुनिया बुन रखी है जाल मुंगेरी लाल की हसीन्स अपने काइंड ऑफ दैट बेस्टफुल लॉस ऑफ लव फॉर लाइफ लव प्यार की कमी है जीवन के लिए ऐसे लगता है कि प्यार नहीं मिलेगा रेस्टलेसनेस एक्साइटेड वेरी लोकेशियस बहुत बातें करेगी क्योंकि बिजनेस वाले लोग तो बहुत बोलते ही हैं टाइम पास स्लोली और टाइम धीरे धीरे पास होगा कि अब क्या करें लॉस हो गया अब क्या करें सोचती रहेगी कैसे बहुत धीरे धीरे थिंकिंग डिफिकल्ट इन द मॉर्निंग विद ओल्ड पीपल ओल्ड पीपल है तो उन्हें मॉर्निंग में दिक्कत होगी सोचने में डुल्स अपॉन अनप्लीजेंट थिंग अनप्लीजेंट थिंग के बारे में वही सोचते रहेंगे घूम फिर के वही सोचते रहेंगे और एलन की नोट्स की एक लाइन है कि बहुत उदास रहेगी सिट्स फॉर डेज और रोती रहेगी तो अगर बिजनेस में लॉस आएगा तो बहुत दिन तक बैठेगी और रोएगी रोएगी तो फिर आंखों में भी एक दो दिक्कत आ जाएगी ऐसे करके हम कनेक्ट कर सकते हैं हेडेक वगैरह है ठीक है अब हेड में देखते हैं स्लो कंप्रेहेंसन देखने को मिलेगा वर्टिगो विद वीकनेस इन द हेड हेड में वीकनेस आएगी एंड स्टमक और स्टमक में क्योंकि उसका ध्यान उदासी में है अभी तो वो खा पी नहीं पा रही है और तो वीकनेस आ रही है प्रेशर ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ हेड अब इतना सोच रही है कि फ्रंट पार्ट ऑफ हेड पे प्रेशर है उसके साथ साथ मेंटल डिप्रेशन आ रहा है क्योंकि लॉस हुआ है टियरिंग पेन्स इन द अपर हाफ ऑफ ब्रेन अपर हाफ ऑफ ब्रेन में टीयरिंग पेन होगा सेनाइल डिजीनेस मिलेगी ओल्ड एज की वजह से जो होती है रस ऑफ ब्लड टू द हेड वैन लिसनिंग टू म्यूजिक और म्यूजिक सुनेगी तो इमोशनल हो जाएगी इमोशंस होंगे तो रस ऑफ ब्लड होगा तो वही रस ऑफ ब्लड होगा हेड तक हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाएगी एपिस्टेक्सिस की कंडीशन देखने को मिलेगी स्पेशली इन द मॉर्निंग परफ्यूज ब्लीडिंग मिलेगी टीथ से और हेयर फॉल होंगे ठीक है स्टमक में देखें तो इरक्टेशन विद वॉयलेंट कन्वल्जिव कफ इरक्टेशन डकारें आएंगी और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कन्वल्जिव कफ आएगा हमने ऊपर भी पढ़ा था फाइनल इरीटेशन थी उसके साथ साथ कन्वल्जिव कफ और इरक्टेशन देखने को मिल रही थी तो सेम है एसिड इरेक्टेशन जैसे कि हार्ट बन की तरह अब एसिडिटी मतलब एंगर एंगर तो उसको आएगा ही कि यार ये क्यों कर दिया इसकी वजह से लॉस हुआ और ये कैसे हो गया यार ये कैसे हो गया परेशान है एंग वर्ड है और एंग्री भी है अपने लिए भी सेल्फ कंटेंडेड नहीं है मतलब तो वही है डिस्टेंशन ऑफ स्टमक एंड एपडेमन आफ्टर मिडनाइट मिडनाइट के बाद एपडेमन और स्टमक का डिस्टेंशन देखने को मिलेगा सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द एपडेमन एपडेमन में कोल्ड सेंसेशन फील होगी इसको यूरिनरी में देखें तो पेन इन द ब्लैडर एंड रेक्टम एट द सेम टाइम ब्लैडर और रेक्टम दोनों में सेम टाइम पे पेन होगा अब रेक्टम पेनफुल है एक ही जगह पे बैठी है स्पाइन इरिटेशन हो गई तो बैठे जो तो लोग ज्यादा बैठे रहते हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो जाती है जिनकी एक जगह पर चेयर पर बैठ के काम करना है या ऐसे तो उनको कॉन्स्टिपेशन भी जल्दी होती है तो इसको भी आ, आसानी से नहीं होगी कॉन्स्टिपेटेड होगी ईजिली पास नहीं होगी ठीक है तो आगे दिया बर्निंग एट द यूरेथ्रा एंड एनल ऑरिफिस वही रेक्टम में प्रॉब्लम है एनल ऑरिफिस में प्रॉब्लम है तो स्टूल पास नहीं होगा होगा भी तो बर्निंग है वहाँ सेंसेशन इन द यूरेथ्रा एज ए फ्यू ड्रॉप्स पासड आउट यूरेथ्रा में ऐसे लगेगा कि सेंसेशन होगा इसको कि अभी तो, कुछ कुछ ड्रॉप्स निकल नहीं गलती से कुछ ड्रॉप्स निकल गए ये वाला बर्निंग एंड इचिंग इन यूरेथ्रा व्हाइल मिक्स्यूरेटिंग मिक्स्यूरेटिंग मतलब ड्यूरिंग यूरिनेशन क्या होगा बर्निंग होगी और इचिंग होगी यूरेथ्रा में यूरिन यूरिन कैसी होगी टर्बिड होगी इवन ड्यूरिंग एमिशन फॉर्मिंग ऑफ ब्राउन सेंडिमेंट टर्बिड होगी और जैसे ही होगा तो कैसी होगी बालू जैसी ब्राउन सैंडिमेंट मेल मेल में क्या है वॉलपचस इचिंग ऑफ स्क्रॉटम देखने को मिलेगी पार्ट्स एक्सट्रीमली नम होंगे बर्निंग होगी इंटरनली वॉयलेंट इरेक्शंस विदाउट एनी वॉलपचस सेंसेशन मतलब कोई भी वॉलपचस सेंसेशन नहीं आया लेकिन इरेक्शन फिर भी हो रहा है स्पॉन्टेनियस वॉयलेंट इरेक्शन हो रहा है अपने आप हो गया भाई फीमेल फीमेल में क्या है निम्फोमेनिया देखने को मिल रहा है मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर मेल में भी वॉलेंट डरेक्शन हो रहे हैं फीमेल भी निम्फो है इचिंग इन द प्यूडेंडम प्यूडेंडम में इचिंग होगी मतलब प्रूराइट वल्वा की कंडीशन है विद सोरनेस और स्वेलिंग अब इचिंग है जहाँ इचिंग होगी अगर थोड़ा भी घुसला लिया तो सोरनेस रहेगी और स्वेलिंग आ जाएगी तो इट इज़ कॉमन सिम्टम मैंसेज टू अर्ली प्रोफ्यूज मैंसेज बहुत ज़्यादा अर्ली होंगे प्रोफ्यूज ब्लू इज लिकोरिया लिकोरिया इसका होगा ब्लू इज वाइट सॉलिड मतलब वैसा क्या बोलते हैं ओपेक कलर का हाँ वर्स एट नाइट नाइट में वर्स हो जाएगा डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट तो, पीरियड्स के बीच में डिस्चार्ज होगा किसका मेंसेस बिटवीन पीरियड्स मतलब क्या है कि साइकिल के बीच में आ रहे हैं एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट कुछ भी हुआ मतलब एक लॉन्ग वॉक या फिर तो, कोई भी कंडीशन हो गई तो या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड है तो हार्ड स्टूल आया तो भी डिस्चार्ज हो जाएगा रेस्पिरेटरी में देखें इसमेटिक ब्रीदिंग विद इरेक्टेशन ऑफ गैस गैस के इरेक्टेशंस होंगे उसके साथ एस्मेटिक ब्रीदिंग देखने को मिलेगी नर्व नर्वस पेजमोडिक कफ होगा उसके साथ साथ हॉशनेस और इरेक्टेशन देखने को मिलेगी वॉकिंग पे मॉर्निंग में वर्स हो जाएगी प्रेजेंस ऑफ पीपल में और ये लोगों के सामने कुछ कर ही नहीं सकती कान डू एनीथिंग इन प्रेजेंस ऑफ अदर कान पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर कान पास स्टूल इन प्रेजेंस ऑफ अदर तो कुछ भी नहीं कर पा रही है लोगों के सामने इवन रिस्पायर करने में भी इसे दिक्कत ही हो रही है वर्स हो रहा है टिकलिंग इन द थ्रॉड लेरिंग्स एंड ट्रैकिया चेस्ट ऑफरेस्ट गेट्स आउट ऑफ ब्रेथ वेन कफिंग खांसेगी तो सांस नहीं आएगी होलो स्पेजमोडिक बार्किंग कफ होगा कमिंग डीप फ्रॉम द चेस्ट वॉयलेंट कफ है अंदर से आ रहा है चेस्ट के अंदर से फील आता होगा होगा और वॉयलेंट होगा वॉकिंग होलो होगा चॉकिंग वैन हॉकिंग फ्लैग तो अगर म्यूकस आएगा तो जब उसे निकालने की कोशिश करेगा तो ऐसे लगेगा गला रुक गया चॉक हो गया हार्ट में देखें तो पैल्पिटेशंस होंगे विथ प्रेशर ऑन द चेस्ट एज ए फ्रॉम अ लम्ब लोज देयर और एज इफ द चेस्ट वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड तो वही है कि चौकिंग फील होगी जैसे लंप फंस गया ऐसा लगेगा और पेल्पिटेशन के साथ साथ प्रेशर फील होगा कॉन्शियस ऑफ पल्स पल्स के लिए बहुत कॉन्शियस है पेल्पिटेशन इन ओपन एयर विद अ पेल फेस ओपन एयर में भी पेल्पिटेशन है फेस एकदम पेल पड़ जाएगा एक्सट्रीमिटीज़ में क्रैम्प्स होंगे हैंड्स में एंड फिंगर्स में वर्स ग्रैपिंग ग्रैस्पिंग एनी थिंग क्रैम्प इन लेग्स और कुछ भी पकड़ेगा तो और दिक्कत बढ़ेगी क्रैम्प्स बढ़ जाएंगे लेग्स में भी क्रैम्प्स होंगे फिर आगे दिया है स्लीप कांट स्लीप फ्रॉम बरी बरी चिंता इतनी परेशानी इतनी चिंता बेचारी इतनी मुश्किल में कि सो नहीं पा रही है मस्ट गेट अप अगर नींद आ भी गई तो बीच बीच में जा टूट जाएगी उठ जाएगी एंड जो ड्रीम्स आएंगे बॉडी कोल्ड हो जाएगी टू मिलेगी लिम्स की स्लीप uh, के टाइम पर क्योंकि ये हिस्टेरिकल है, है. Skin, और लिटिल हिस्टेरिकल सब्जेक्ट है स्किन इचिंग और सोनेस देखने को मिलेगी स्पेशली जेनाइटल्स के अराउंड नमनेस ऑफ स्किन मिलेगी आर्म्स गो टू स्लीप हाथ पैर सो जाएंगे भैया सो गए ये नहीं सो पा रही इसके हाथ पैर सो रहे हैं नमनेस आ रही है स्किन में मोडेलिटीज़ क्या है वर्स म्यूजिक से दिक्कत हो रही है प्रेजेंस ऑफ अदर्स स्ट्रेंजर्स से दिक्कत है फ्रॉम एनी अनयूजल थिंग मॉर्निंग में दिक्कत है वॉम रूम से दिक्कत है आराम किससे मिल रहा है खाना खाने के बाद आराम मिल रहा है स्लो मोशन में आराम मिल रहा है एयर में आराम मिल रहा है पेनफुल पार्ट पर पे लाई करने से आराम मिल रहा है और कोल्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से आराम मिल रहा है तो ये थी हमारी एम्बराजी यानी कि एमराज्रीजिया अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कोई दिक्कत है कोई क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग